नमस्ते, आप दी लंदन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम है अभिषेक। कोझिकोड में हुए विमान हादसे के बाद एयर इंडिया के पायलट्स ने सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मांग की है कि डीजीसीए के चीफ अरुण कुमार को हटाया जाए। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये भारत में एविएशन सेक्टर की नियामक संस्था है। विमान हादसों या विमान से जुड़ी जो अन्य घटनाएं होती हैं उसकी जांच भी डीजीसीए ही करता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अब एयर इंडिया पायलट्स ने कहा है कि अरुण कुमार जो डीजीसीए चीफ हैं, उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को डीजीसीए का प्रमुख बनाया जाए जिसे एविएशन सेक्टर की बेहतर जानकारी हो। दरअसल अरुण कुमार ने हादसे के बाद बयान दिया था कि मुमकिन है कि पायलट्स के फ्लाइट लैंडिंग के तरीके में ही कुछ गड़बड़ी रही हो, इसी वजह से हादसा हुआ। इसी बयान के बाद एयर इंडिया पायलट यूनियन, इंडियन पायलट गिल्ड और इंडियन कमर्शियल पायलट गिल्ड ने हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि आईएएस अरुण कुमार ने हादसे की कुछ ही देर बाद एक नेशनल टीवी चैनल पर कहा कि लैंडिंग में ही गड़बड़ी थी। इसके बाद एक दूसरे चैनल पर भी उन्होंने जाकर लैंडिंग पर सवाल उठाए। उनका ये बयान पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है, प्रीमैच्योर है और महज आंकलनों पर आधारित है। जान लेते हैं कि 7 अगस्त को क्या हुआ था। एयर इंडिया का विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया था, एक खाई में गिर गया था। विमान में कुल 191 लोग सवार थे, इनमें से 18 की मौत हो गई, जिनमें पायलट इन कमांड कैप्टन दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की भी मौत हुई। इससे पहले 2010 में मैंगलोर में एयर इंडिया का ही एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। प्लेन में 6 क्रू और 160 यात्री सवार थे, इनमें से 158 की हादसे में मौत हो गई थी। ये 21वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा था। ये रनवे भी टेबल टॉप था। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी काउंसिल यानी CASAC बनाई। इस काउंसिल ने देश के तमाम एयरपोर्ट पर सवाल उठाए थे जिसमें कोझिकोड भी शामिल था, फिर भी कोई सुधार नहीं किया गया। नतीजा अब इस बड़े हादसे के रूप में सामने आया है। सवाल वही है कि क्या सरकारें बिना हादसों के कभी चेत नहीं सकती। कोझिकोड एयरपोर्ट से जुड़ी और भी अगर कुछ अपडेट्स आएंगे, जानकारी आएंगी, आपके साथ साझा करेंगे। आप जुड़े रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया। लंदन टॉप लटक शॉर्ट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना। हमने है इश्क मस्ताना, हमने को होशियारी क्या। किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बतला भी दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।